हे गाइस, वेलकम टू हंटर कार्स। तो मैं हूं आपका दोस्त मोहित, जो आज आपके लिए लेके आए हैं इंडियाज बेस्ट टू व्हीलर स्कूटी होंडा एक्टिवा 6G। आज हम बात करेंगे इसके वेरिएंट्स के बारे में, इसके कलर ऑप्शंस के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर न्यू है, और शेयर करें। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये ऑल न्यू BS6 होंडा एक्टिवा 6G। बात करते हैं पहले एक्टिवा के फ्रंट के बारे में। टू वेरिएंट आते हैं एक्टिवा 6G में, एक LED में आता है और एक सिंपल हेलोजन में आता है। आपको दोनों का ओवरव्यू भी दिखाया जाएगा। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं LED वेरिएंट के बारे में। तो फ्रंट में हमको मिलती है एक LED, ऊपर एक DRL मिल जाता है। तो आप उसको ओवरव्यू में आपको चेक करवा देते हैं। तो ये है LED और इसका ओवरव्यू आप देख सकते हैं हाईवे पे कितना अच्छा रहता है। और ये इसके टर्न इंडिकेटर्स, अब बात करते हैं इसके फ्रंट के बारे में। फ्रंट में हम एक्टिवा में हम देख सकते हैं कि जो इसका फ्रंट है, और साइड में मिलते हैं हमको क्रोम पार्ट और जो रबड़ पार्ट है साइड में, और बीच में होंडा का लोगो। इस तरह है इसका कुछ फ्रंट। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। एक्टिवा 6G में हमको टेलीस्कोप सस्पेंशन मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट इन सेगमेंट है और ये व्हील न्यू है। पहले 5G में व्हील नहीं आता था, अब 6G में व्हील आने लगा है। ये इसके रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड मिलेंगे आपको। टायर साइज की बात कर लेते हैं तो 90:90 12 इंच का टायर मिल जाता है एक्टिवा 6G में। ये इसकी साइड प्रोफाइल। बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो इस तरह से दिखते हैं इसका कुछ मीटर कंसोल। ये न्यू मीटर है, सेंटर में आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर और साइड में टर्न इंडिकेटर्स, और ये फ्यूल का सेंटर में, और एक न्यू फंक्शन है इग्निशन बटन जो एक्टिवा 6G में न्यू आया है। दोबारा से स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो ये इग्निशन का साइन है, जब ये चला जाएगा तो यहाँ से पुश करके हम एक्टिवा साइलेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट इन सेगमेंट है जो साइलेंट स्टार्ट होती है। ये इसका पास और हाई बीम लो बीम, और आप पास में भी यूज़ कर सकते हैं इसका हॉर्न, और सेंटर में होंडा का लोगो, और जो इसके साइड मिरर्स हैं ये भी न्यू शेप में आए हैं, आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे कोई भी अपना लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ये ऑफ, सेंटर में आप सीट और फ्यूल का ये जो बटन है यहाँ पे की करके आप उसकी सीट खोल सकते हैं और फ्यूल का लिड खोल सकते हैं। और इस तरह से इसकी कुछ कीज। और बात करते हैं इसके बूट के बारे में, जो इसका बूट स्पेस है। इस तरह सीट पे करके हम सीट पुश करेंगे तो ओपनली सीट इसकी खुल जाएगी। तो ये एक्टिवा 6G का 18 लीटर का बूट। डीप है, आप अपना सामान अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और ये इसकी टूल किट्स, ये इसका फर्स्ट एड किट। स्पेस बहुत अच्छी दी हुई एक्टिवा 6G में। और अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। सेम यहाँ पे रख के और हम फ्यूल हमने खोलना है तो हम
की पे सीट्स और फ्यूल पे जाके यहाँ फ्यूल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से फ्यूल लीटर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। दोबारा आपको खोल के दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ ओके, तो इस तरह से ये इसका फ्यूल का न्यू लीड आया है और 5.3 लीटर में आता है ये, 5.3 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है इसका फ्यूल टैंक। और ये है BS6 एक्टिवा 6G की रियर प्रोफाइल जो चेंज की है काफ़ी। ये देख सकते हैं आप एक्टिवा 6G की वेजिंग, और इस साइड देखेंगे तो BS6 एक्टिवा 6G, और रियर में हमको एक्टिवा 6G में आप देख सकते हैं 3-स्टेप रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलती है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, और इसमें न्यू ESP न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिससे इसकी माइलेज 10% और इंक्रीज हो चुकी है। और जो साइलेंट स्टार्ट है ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है होंडा एक्टिवा। ये इसका रियर प्रोफाइल, आपको इसकी लाइट्स का ओवरव्यू भी देंगे। ये इसका एग्जॉस्ट पाइप, तो ये थी BS6 होंडा एक्टिवा 6G। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड वेरिएंट के बारे में। जो ये वाला वेरिएंट है इसमें सिर्फ LED नहीं आता, सिंपल हैलोजन आता है। इसका और भी हम आपको दिखा देते हैं। हाईवे पे ये भी बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं इनके प्राइस रेंज के बारे में। जो हेलोजन वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 65,165 का, और जो LED वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 66,680 का। और बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। न्यू एक्टिवा 6G में आपको मिलता है फैन कूलिड 4-स्ट्रोक SI इंजन जो 109 cc का है। और अब इसकी कर्व वेट की बात कर लेते हैं तो 107 किलोग्राम का है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 1.7 mm की है, 170 का। और इसकी लेंथ है 183, विड्थ है 697 और हाइट है इसकी 1156 mm। आपको एक साथ दोनों की हेडलाइट्स का ओवरव्यू भी दे देते हैं। तो ये है LED वाला वेरिएंट और ये है हैलोजन वाला। और आपको फ्रंट से चेक करवाते हैं। दोनों लाइट्स हाईवे पे बहुत अच्छी हैं। चॉइस आपके कि आप LED चूज करते हैं या हैलोजन चूज करते हैं। तो ये थी न्यू एक्टिवा BS6। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।